एक एक एनआरबी होता है जिसको हम कहते हैं आर एन आर बी। सो आर एन आर बी क्या होता है? रेजिडेंस निल रेट बैंड। एक तो नॉर्मल हमारा एनआरबी होता है, अब ये आर एन आर बी अब कब मिलेगा, कितने का होगा? तो ये जो आर एन आर बी है बेसिकली ये अप्लाई होता है जब मेन रेजिडेंस इनहेरिट किया गया हो, डेथ स्टेट के अंदर मेन रेजिडेंस हो जहां पर वो बंदा रहता हो, और वो जो है किसको दिया गया हो, वो दिया गया हो डायरेक्ट डिसेंडेंट्स, तब आर एन आर भी मिलेगा, वरना आर एन आर भी नहीं मिलेगा। अच्छा, मेन रेजिडेंस हो लेकिन वो वाइफ या हस्बैंड को ट्रांसफर किया गया हो तो फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि डायरेक्ट डिसेंडेंट्स के अंदर दो पार्टीज आती हैं, चिल्ड्रन आ जाते हैं। तो या तो मेन रेजिडेंस चिल्ड्रन को दिया गया हो या ग्रैंड चिल्ड्रन को दिया गया हो। सो दो चीजें हैं, एक तो मेन रेजिडेंस का होना, अगर एक प्रॉपर्टी ऐसी है विच इज फॉर लेटिंग पर्पज है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है या किराए पे दी हुई है, तब नहीं मिलेगा, मेन रेजिडेंस होना चाहिए। और डायरेक्ट डिसेंडेंट्स में दो पार्टीज आती हैं, चाइल्ड चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन, उनको दिया वो, तब हम आर एन आर बी क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, आर एन आर बी जो है ना वो सिर्फ डेथ स्टेट पर मिलता है, लाइफ टाइम पे नहीं मिलता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक शख्स ने अपना मेन रेजिडेंस किसी बच्चे को ट्रांसफर किया तो आर एन आर बी नहीं मिलेगा, डेथ स्टेट के ऊपर अपनी विल में लिखकर वो चला गया तब आर एन आर बी मिलेगा। दूसरा ये है कि इसके लिए कंडीशन ये है कि डेट ऑफ डेथ जो हुई हो वो आफ्टर या ऑन 6 अप्रैल 2017 या उसके बाद हुई हो, क्योंकि ये जो आर एन आर बी है ये इनिशिएट हुआ इस डेट से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल किसी ने अप्रैल 2017 से पहले घर विल में ट्रांसफर किया तो उसको आर एन आर बी नहीं मिलेगा। ये डेट इसलिए है कि क्योंकि आर एन आर बी से पहले था नहीं। अच्छा, अब आर एन आर बी मिलेगा कितना? और अगर एक से ज्यादा प्रॉपर्टी होगी तो हर प्रॉपर्टी पे नहीं मिलेगा, सिर्फ एक प्रॉपर्टी पे आर एन आर बी मिलेगा। और आर एन आर बी जो मिलता है उसका रूल ये है, आर एन आर बी इज दी लोअर ऑफ, इसका जो अमाउंट है ना वो भी टैक्स रेट्स एंड अलाउंस में दिया हुआ है, इसका जो मैक्सिमम अमाउंट अमाउंट है वो है 1,50,000, या वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी नेट ऑफ मॉर्गेज। इन दोनों में से जो लोअर ऑफ होगा वो हम आर एन आर बी में क्लेम कर सकते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल आपके पास मेन हाउस था जो जिसकी वर्थ थी 400,000, उसके पास उसके ऊपर इंटरेस्ट ओनली मॉर्गेज था 50,000, और इंडाउमेंट मॉर्गेज था 1,00,000। सही है, कैलकुलेट आर एन आर बी इफ हाउस वॉज लेफ्ट टू ग्रैंडसन इन इज डेथ स्टेट। सो लोअर ऑफ का रूल क्या कहता है? लोअर ऑफ का रूल ये कहता है कि आपके पास A 1,50,000 फिक्स्ड है
और बी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी नेट ऑफ मॉर्टगेज, कौन सा मॉर्टगेज? इंटरेस्ट ओनली मॉर्टगेज, क्योंकि एंडाउमेंट मॉर्टगेज कंसिडर नहीं करते. सो इन दैट केस फुल 1,50,000 RNRB इज अवेलेबल. और अगर फॉर एग्जाम्पल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी नेट ऑफ मॉर्टगेज कम होती तो फिर आपको RNRB 1,50,000 नहीं मिलेगा, कम मिलेगा. बाकी NRB को आप किसी और तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं. अच्छा जी, अब इसका आपकी डेथ स्टेट के प्रोफॉर्मा पे क्या फर्क पड़ेगा? तो आपकी जो डेथ स्टेट है उसके अंदर हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ स्टेट लेते हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटी. उस वैल्यू ऑफ स्टेट में से इंटर स्पाउस ट्रांसफर माइनस करते हैं, इंटर स्पाउस ट्रांसफर माइनस करने के बाद जो आंसर हमारे पास आता है उसे हम कहते हैं ग्रॉस चार्जेबल स्टेट. उसमें से हम दो NRB माइनस करते हैं. तो एक तो RNRB होगा जिसकी कंडीशन क्या है कि मेन रेजिडेंस होना चाहिए और डायरेक्ट डिसेंडेंट्स को जाना चाहिए, और दूसरा NRB होगा जो कि डेथ के ऊपर मिलता है. तो ये फिर आपके पास आ जाती है टैक्सेबल स्टेट. अच्छा जी, अब ये बात ध्यान में रखिएगा कि RNRB पहले माइनस करना है, इज टू बी डिडक्टेड बिफोर NRB. दूसरा है नो 7 years क्यूमुलेशन रूल. RNRB के लिए लुक बैक का कोई रूल नहीं है. तो ये बात ध्यान में रखें कि RNRB पहले माइनस होगा, उसके बाद फिर NRB माइनस होगा. अच्छा, बाज दफा क्या होता है, बाज दफा ये होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ में से किसी एक की डेथ हुई, और जब उसकी डेथ हुई तो उसका NRB यूटिलाइज नहीं हुआ. अब जब उसका NRB यूटिलाइज नहीं हुआ तो अल्टीमेटली स्पाउस और सिविल पार्टनर अपना अनयूज्ड NRB दूसरे स्पाउस और सिविल पार्टनर को ट्रांसफर कर सकते हैं. मसलन हस्बैंड की डेथ हुई 2016 को, और उसका अनयूज्ड NRB 1,00,000 था आउट ऑफ 300,000. उसकी वाइफ की डेथ हुई 2019 में, कैलकुलेट हाउ मच NRB इज अवेलेबल. तो हम कहेंगे वाइफ का अपना NRB होगा 3,25,000 और अनयूज्ड NRB. अब ये अनयूज का चक्कर क्या है, कैसे निकालते हैं अनयूज्ड? 3,00,000 नहीं, 3,00,000 में से जो 1,00,000 अनयूज्ड है वो नहीं लेंगे, बल्कि क्या करेंगे, पहले अनयूज्ड का परसेंटेज निकालेंगे. अनयूज्ड की परसेंटेज बताना जरा, 100 आउट ऑफ 300 कितना होता है परसेंटेज? अब ये नए वाले NRB के ऊपर अप्लाई कर दो, यानी कि परसेंटेज पुराने वाले में से निकालेंगे लेकिन अप्लाई नए वाले पे करेंगे.
कितना होगा? इसका मतलब ये हुआ कि इसका टोटल एनआरबी अवेलेबल हो गया 433333। तो इस तरह आर एनआरबी, लेकिन ये सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ और सिविल पार्टनर कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी ट्रांसफर नहीं कर सकता। इसी तरीके से अगर किसी के पास अनयूज्ड आर एनआरबी हो तो वो भी ट्रांसफर हो सकता है। सो आर एनआरबी जब हम ट्रांसफर करने जाएंगे तो उसका रूल भी यही है, लेकिन कंडीशन क्या है कि अनयूज्ड पोर्शन जो भी होगा आर एनआरबी का इज ट्रांसफर्ड ओनली व्हेन एट द टाइम ऑफ अदर्स पार्टनर्स डेथ, जिसको वो अनयूज ट्रांसफर हो रहा है, देयर मस्ट बी मेन रेजिडेंस इन द डेथ स्टेट एंड ट्रांसफर टू डायरेक्ट डिसेंडेंट्स। वरना आर एन आर बी जो है वो अनयूज ट्रांसफर नहीं हो सकता। अब फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी हो सकता है कि 6 अप्रैल 2017 से पहले एक स्पाउस की डेथ हो गई और उसके पास मेन रेजिडेंस था और वो मेन रेजिडेंस उसने ट्रांसफर कर दिया था डायरेक्ट डिसेंडेंट्स को, तो ऑल्दो 6 अप्रैल 2017 से पहले आरएनआरबी यूज ही नहीं होता था, लेकिन स्टिल 100% आरएनआरबी अनयूज जो है वो ट्रांसफर किया जा सकता है। ये एक मार्जिन दिया हुआ उन्होंने कि ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इसके हस्बैंड की डेथ हुई थी 2005 में और इसके पास चार्जेबल स्टेट वैल्यू थी 8 लाख की। और उसने पूरी की पूरी स्टेट जो थी वो अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर दी।
उस स्टेट के अंदर उसके पास एक फैमिली हाउस भी था। उसके बाद फर्दर क्या हुआ, इसकी भी डेथ हो गई। May 23, 1919 और इसने अपनी बिलोंगिंग्स में छोड़ा 1 million। अपने बच्चों को उसके अंदर एक फैमिली हाउस भी है। जिसकी वर्थ हो चुकी थी 4,75,000। हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इसने जो डेथ स्टेट छोड़ी है, ग्रॉस चार्जेबल स्टेट इंक्लूडिंग अ हाउस, इसकी वर्थ कितनी बनती है, 1 million। अच्छा, इसके अंदर एक घर मौजूद है और वो घर जो है उसने ट्रांसफर किया है किसको, डायरेक्ट डिसेंडेंट्स को। तो अब आपके पास RNRB अवेलेबल है पूरा 1,50,000। सही है। अच्छा, अपना RNRB, अच्छा उसने भी जब ट्रांसफर किया था उसके पास एक घर मौजूद था, तो उसका जो RNRB था वो पूरा का पूरा अनयूटिलाइज था, क्योंकि उसने तो टैक्स दिया ही नहीं। 100% अपना, 100% वहां से आया। उसके बाद इसका अपना NRB 3,25,000 और उसका अनयूज्ड NRB 3,25,000। ये भी 3,25,000। तो आपके पास टैक्सेबल अमाउंट ऑफ द स्टेट कितना आएगा, 3,00,000, 3,00,000, 6,00,000, 9,00,000, 9,50,000, 50,000। और इसके ऊपर IST लग जाएगा एट द रेट ऑफ 40%। ये कौन पे करेगा, पेड बाय एग्जीक्यूटर एंड अनयूज्ड RNRB और अनयूज्ड NRB की एक छोटी सी कैलकुलेशन हमने की। चलो जी देखें, ये किट का क्वेश्चन है और सवाल आपका जो नंबर है वो है 210। इट्स क्वेश्चन नंबर 210। थोड़े बहुत थ्योरी के पार्ट्स हैं,
वो अभी थोड़ी देर में करते हैं थ्योरी के पार्ट्स, पहले न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे चलते हैं, पार्ट बी पे। मार्कस डाइड ऑन 31st December 2019। ही हैज मेड द फॉलोइंग गिफ्ट ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। तो उसने कुछ लाइफ टाइम गिफ्ट किए। पहला गिफ्ट 14 जनवरी 2009 को, यानी कि तकरीबन 10 साल पहले, इसने लाइफ टाइम ट्रांसफर किया था 3,15,000 का ट्रस्ट को। ट्रस्टी जो था उसने लाइफ टाइम IHT 600 का पे कर दिया इस गिफ्ट के ऊपर। उसके बाद इसने दूसरा गिफ्ट किया 2015 में, यानी कि 4 साल पहले, और वो भी एक CLT था 3,95,000 का, और मार्कस ने उसका लाइफ टाइम IHT 96,250 का पे कर दिया। फिर एक तीसरा गिफ्ट हुआ अगले साल मार्कस ने किया, विच इज अ पेट 30,000 ऑर्डिनरी शेयर्स एन अनकोटेड इन्वेस्टमेंट कंपनी टू हिज डॉटर। बिफोर द ट्रांसफर उसके पास 100% शेयर्स थे उस कंपनी के। ऑन 1st January 2016 Shares were worth 5 each for a holding of 30%, 9 each for a holding of 70%, and 12 each for a holding of 100%. The nil rate band available for 8 and 9 and for 15, 16, 3,25,000. Under the terms of the will, Marcus left entire estate to his wife. Calculate IHT which will be payable as a result of Marcus' death. You should ignore the inheritance tax annual exemption. Annual exemption को आप ignore कर। अब हमें life time पे ये देखना पड़ेगा कि कौन सा life time tax due होगा। तो जो पहला हमारे पास पहला वाला, जो सबसे पहला वाला, क्या वो due होगा? तो हमें 7 साल का rule follow करना पड़ता है। 7 साल का rule says that कि आपका जो पहला चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर है वो टैक्सेबल नहीं है, तो आपका जो दूसरा चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर है CLT वो टैक्सेबल हो जाएगा। 3rd December 2015 वाला ये टैक्सेबल हो जाएगा। इसकी ट्रांसफर ऑफ वैल्यू DVA चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर 3,95,000, तो इसका चार्जेबल अमाउंट आपके पास जो दिया हुआ है 3,95,000। लेकिन ये जो है वो तो डोनर दे रहा है ना, तो डोनर दे रहा है तो इसका मतलब है इसको ग्रॉस किया होगा, और ग्रॉस कैसे करते हैं? नेट प्लस IHT ड्यूरिंग लाइफ टाइम, तो इसको हमने ग्रॉस कर लिया होगा। सो ये आ गया ग्रॉस चार्जेबल ट्रांसफर 491,250, ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट ड्यूरिंग लाइफ टाइम। अच्छा जी, अब इसमें से NRB माइनस करेंगे। एट द टाइम ऑफ डेथ NRB कितना होता है? 3,25,000। लुक बैक 7 ईयर्स, कहां से लुक बैक 7 ईयर्स देखेंगे? ट्रांसफर से लुक बैक 7 ईयर्स। तो हमारे पास पीछे एक CLT रखा हुआ है जिसका चार्जेबल अमाउंट है 3,15,000। सेकेंड गिफ्ट से पहले एक पिछला गिफ्ट रखा हुआ है, तो हमारे 10,000 जो है इस साल NRB के लिए बच गए, और वो 10,000 उठाकर हमने यहां से माइनस कर दिया, और ये हमारे पास 481,250 का टैक्सेबल अमाउंट आ गया। अब इस टैक्सेबल अमाउंट के ऊपर IHT लगेगा 40% के हिसाब से, का 40%, 192,500। उसके बाद हमें पता है कि इस पर टेपर रिलीफ मिलता है। टेपर रिलीफ जो मिलेगा उसकी डेट चेक करनी पड़ेगी कि ट्रांसफर 3rd दिसंबर 2015 को हुआ और डेथ हुई 31 दिसंबर 2019 को। 16, 17, 18, 19, 4 से 5 साल, तो 4 से 5 साल में टेपर रिलीफ होता है 40%।
तो 1,92,500 का 40% बनता है 77,000। और क्योंकि ये सीएलटी है तो आईएसटी ऑलरेडी पेड इस गिफ्ट के ऊपर, आईएसटी ऑलरेडी कितना पे किया गया है, 96,250। इज देयर एनी अमाउंट लेफ्ट? तो ये ट्रस्ट को देना पड़ेगा आईएसटी पेबल ऑन डेथ तकरीबन 19,250। अच्छा जी, अब चलते हैं पैट के ऊपर। पैट हुआ था, पैट की डेट क्या थी, 1 जनवरी 2016। सो एट द टाइम ऑफ गिफ्ट तो ये टैक्स एग्जेम्प्ट था और इसका ट्रांसफर ऑफ वैल्यू हमें नहीं पता, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू हमें नहीं पता कितनी, क्योंकि इसने कितने शेयर्स ट्रांसफर किए हैं, इसने ट्रांसफर किए हैं 30,000 शेयर्स। अब 30,000 शेयर्स की वर्थ नहीं पता हमें कितनी बनती है, लेकिन इसके पास टोटल 1,00,000 शेयर्स थे तो हम इसकी वैल्यू फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या था, वैल्यू बिफोर ट्रांसफर, वैल्यू बिफोर ट्रांसफर। सो 1,00,000 शेयर्स थे और 1,00,000 शेयर्स 100% होल्डिंग थी ना, 100% होल्डिंग का रेट था 12, तो 100% होल्डिंग का रेट था 12, 1.2 मिलियन। फिर इसने 30,000 शेयर्स ट्रांसफर कर दिए तो वैल्यू आफ्टर ट्रांसफर होल्डिंग हो गई 70,000, विच इज 70%। 70% की होल्डिंग है 9 ईच, 7 × 9, 6,30,000। सो डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस होगा ट्रांसफर वैल्यू, और ये ट्रांसफर आपका बनेगा 5,70,000। ये एमसीक्यूज में आता है यूजुअली ये सवाल कि आप शेयर्स की ट्रांसफर ऑफ वैल्यू निकाल कर बताएं। ये ट्रांसफर ऑफ वैल्यू आ गई 5,70,000, एनुअल एग्जेम्पशन उसने मना की थी तो यही चार्जेबल अमाउंट हो गया। अच्छा जी, अब इसमें लुक बैक 7 ईयर्स में हमारे पास एनआरबी 3,25,000 का एनआरबी है और जीसीटी में आपके पास ट्रांसफर से अगर पीछे जाएं तो ट्रांसफर से पीछे में हमारे पास दो गिफ्ट हैं। एक का जीसीटी है 3,15 और दूसरे का जीसीटी है 491,250 ट्रांसफर का। सो ये दोनों मिलाकर 806,250 बनते हैं। इसका मतलब है एनआरबी फिनिश्ड एंड नो एनआरबी इज अवेलेबल, सो द होल ट्रांसफर ऑफ वैल्यू इज टैक्सेबल। और इसके ऊपर आईएचटी लगेगा एट द रेट ऑफ 40%, विच बिकम्स 2,28,000। पेपर रिलीफ मिलेगा, टेपर रिलीफ के लिए डेट देखनी पड़ेगी। सो डेट जो है टेपर रिलीफ के लिए बनती है 3 to 4 years, टेपर रिलीफ होगा 20%। ये माइनस कर दिया, सो वी हैव आईएचटी पेबल से दो डेथ के ऊपर आईएसटी हमारे कैलकुलेट हो गए। उसने पूछा था कैलकुलेट आईएसटी विच विल बी पेबल एज अ रिजल्ट ऑफ डेथ, तो ये दो आईएसटी हमारे कैलकुलेट हो गए 7 मार्क्स के लिए।
अब इसके थ्योरी के पार्ट पे आ जाएं। इनहेरिटेंस टैक्स लेजिस्लेशन डज नॉट एक्चुअली कंटेन अ डेफिनेशन ऑफ हु इज एंड हु इज नॉट अ चार्जेबल पर्सन। एक्सप्लेन वेदर और नॉट अ मैरिड कपल इज ट्रीटेड एज अ चार्जेबल पर्सन फॉर IST पर्पस। तो टैक्स का बेसिकली रूल है कि हर स्पाउस सेपरेट होता है। ईच स्पाउस और सिविल पार्टनर इज अ सेपरेट पर्सन, इज अ सेपरेट चार्जेबल पर्सन। कंबाइन नहीं देना पड़ता, सबको अपना अपना अलग अलग देना पड़ता। स्टेट द स्पेशल इनहेरिटेंस टैक्स मेजर्स विच आर एप्लीकेबल टू मैरिड कपल्स। अगर मैरिड कपल्स होंगे तो उनके लिए क्या स्पेशल है? तो दो चीजें हम लिख सकते हैं मैरिड कपल्स के लिए। दो तरह के बेनिफिट्स होते हैं मैरिड कपल्स को। इंटर स्पाउस ट्रांसफर इज एग्जेम्प्ट। बोथ लाइफ टाइम गिफ्ट के ऊपर एंड ऑन डेथ स्टेट। और दूसरा अनयूज्ड NRB और RNRB कैन बी ट्रांसफर्ड। तो मैरिड कपल को IHT में ये प्लानिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो इसको इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं अगर चाहें तो। क्वेश्चन नंबर 209, अलॉन्ग क्वेश्चन अगेन। चले जी सवाल पढ़ते हैं।